लेकिन जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी थे कि प्रात काल उठकर रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माथा, वो नतमस्त होकर के नतमस्तक होकर के अपने माता पिता के जो है चरणों में अपना प्रणाम करते थे। यदि वो ऐसा करते थे तो लंका जैसे अभिमानी रावण को परास्त किए तथा धर्म की रक्षा किए। इस प्रकार से रामचरितमानस के आधार पर, आदर्श राम के आधार पर इस संस्था का अभ्युदय किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनीश जायसवाल स्पीकआउट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यूपी के बलिया जिले के सिकंदरपुर कस्बे में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर विद्यालय में आज आए हुए हैं और यहाँ के प्रधानाचार्य से चर्चा करेंगे कि ये विद्यालय कैसा है, यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी है, यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है बच्चों को, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए अंदर हम पहले कैंपस का एक भ्रमण करते हैं, फिर जानते हैं चीज़ों को। प्रवेश करते ही इस भवन के ऊपर कुछ बातें लिखी हुई हैं जो मैं पढ़ता हूँ। वाणी की अपेक्षा आचरण से आदर्श देना कहीं अधिक प्रभावकारी है। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि अपने आचरण को आप सुधारें और उसको आदर्श बनाएं, ना कि वाणी को। आगे आते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे ये कार्यालय बना हुआ है विद्यालय का और कार्यालय के ऊपर लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है। कितनी अच्छी बात है, गीता की ये लाइन है, कर्म ही पूजा है। तो दोस्तों, हम विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से मिलते हैं, श्री राधे रमन त्रिपाठी जी से, और इनसे पूछते हैं विद्यालय के बारे में। सर, कुछ बताइए अपनी बातें। विद्या नाम राधे रमन त्रिपाठी है। हम इस सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य हैं और हमारा यह विद्यालय पूरे देश भर में संस्कार की दृष्टि से जो है अच्छा समझा जाता है। सबसे पहले भैया बहनों को अन्य चीज़ से पहले संस्कार चाहिए। यदि जो है भैया बहनों के अंदर संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाकी सबसे पहले 1952 में पक्की बाग में सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से यह संस्था खोला गया। धीरे धीरे वह बट वृक्ष के रूप में अपने भारतवर्ष में ही नहीं वरन नेपाल जैसे जो है देशों में यह संस्था फैल गया। और जब यह संस्था फैल गया तो अपने संस्था की प्रधान विशेषता ये रही है कि संस्कार। अगर हमारे पास संस्कार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर जो है कर सकते हैं। जैसा कि कहावत है, व्हेन वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, व्हेन हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। वृत्तम यतने संरक्षेत वित्त मायात याति चा अछीणो वित्तता छीणो वृत्तस्तु हतो हता। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए किसी की संपत्ति नष्ट हो गई, धन नष्ट हो गया, तो धन आज नहीं है हमारे पास लेकिन कल हम अपने जो है अर्निंग करके किसी भी माध्यम से धन कमा सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य नष्ट हो गया तो कुछ तो चला ही गया, लेकिन मनीषियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि दवा करके और अन्य पौष्टिक चीज खा करके जो है रोग अगर दूर हो जाता है तो स्वास्थ्य भी हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि हमारा कहीं से चरित्र नष्ट हो गया तो उसमें किसी प्रकार की जो है कोई औषधि नहीं काम करेगी। इसलिए मनीषियों के द्वारा यह जो है तय किया गया कि शिशु मंदिर की स्थापना की जाए जिससे भारत के प्रत्येक नर नारी बच्चे सभी लोगों का संस्कार जो है उज्जवल हो जाए। तो सर, आप ये बताइए, आप ये कितने वर्ष से विद्यालय यहाँ पर चल रहा है और आपको क्या क्या मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ा इस काम के लिए? ये विद्यालय सन 1973 से चल रहा है और विगत 4 वर्षों से हम यहाँ पर प्रधानाचार्य हैं। हमको यहाँ पर जब से आए तब से कई चीज़ों में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो अपने आस पड़ोस में हैं वो बहुत समृद्धशाली विद्यालय हैं और अपना विद्यालय
भी एक समाज पर ही आधारित है। अपने पास जो है भौतिक संसाधन नहीं है जिससे हम अन्य जो है विद्यालयों के जो है पैरेलल काम कर सकूं। सबसे पहले प्रांगण तो हम लोगों का ठीक है, लेकिन भौतिक संसाधन कमी है। सर, ये विद्यालय काफ़ी वर्षों चल रहा है, तो आपका अनुभव कैसा रहा इसके लिए, और अभी आपको क्या लगता है कि इस विद्यालय में ऐसी क्या कमियां हैं या अच्छाइयां हैं जिनके कारण से अभिभावक यहाँ आना चाहें या यहाँ से दूर जा रहे हैं? इस विद्यालय में, हम लोगों के विद्यालय में आजकल अंग्रेजी शिक्षा के सामने अपना विद्यालय बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने विद्यालय में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है। सपोज दैट जैसे बच्चों को बताया जाएगा कि स्मॉल मेस, तो स्मॉल मेस सब लोग बताएंगे छोटा, तो टेबल भी पढ़ाते हैं और पहाड़ा भी जो है गिनवाते हैं। हम लोग जैसे नंबर में 67 भी कहेंगे और उसको 67 भी कहेंगे, 24 भी कहेंगे और 24 भी कहेंगे, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे जो है हर हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि उनका प्रोनंसिएशन करा देते हैं, प्रोनंसिएशन उसके बाद में ग्रामेटिकली ज्ञान उनको नहीं देते हैं, जबकि कहा गया है कि ग्रामर इज द बैकबोन्स, विदाउट ग्रामर एनी स्टूडेंट कैन नॉट डेवलप, इफ ही हैज नीडेड टू राइट एनी थिंग द स्टूडेंट कैन डिस्क्राइब एनी थिंग बाई द सपोर्ट ऑफ ग्रामर। बट अपने यहाँ यह विद्यालय राम, जिस प्रकार से रामचरितमानस में आदर्श राम थे, सीता थी, सती अनुसुईया थी, उसी के आधार पर जो है लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, उसी के आधार पर जो है यह विद्यालय संचालित है। यह विद्यालय में बच्चों को, भैया बहनों को संस्कार दिया जाता है कि बच्चे भैया बहन पढ़ें लिखें और ऊंचे पद पर जाएं और चतुर्मुखी बहुमुखी भाल भैया बहनों का विकास होता रहे। हमारे यहाँ के बच्चे हर क्षेत्रों में जाते हैं, राजस्व विभाग में भी जाते हैं, डीएम भी बनते हैं, एसडीएम भी बनते हैं, प्रोफेसर भी बनते हैं। लभी अभिभावकों से अपील करते हैं कि अपने भैया बहनों का प्रवेश विद्यालय के संस्कार और शिक्षा गुणवत्ता को देखते हुए सभी लोग करवाएं, जिससे जो है उनको समुचित लाभ मिलेगा। प्रधानाचार्य जी का कहना है कि इस विद्यालय में संस्कारों की शिक्षा दी जाती है, आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है संस्कारों की शिक्षा, और चतुर्मुखी विकास के लिए भी ये बातें करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों के अनुभव में इन्होंने कुछ खट्टे और मीठे अनुभव किए होंगे, तो वो क्या रहे, कुछ ऐसे अनुभव बताइए सर जो आपको बहुत याद हो अच्छे अनुभव के रूप में, और कुछ ऐसे जो आपको लगता हो कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसे अनुभव हैं? एक विद्यालय में हमको ये अच्छा अनुभव कि यहाँ के लोग, जन समुदाय के लोग जो है, यहाँ के लोग बहुत प्रेमी हैं और यहाँ पर कार्यक्रमों के माध्यम से भैया बहनों को शिक्षा दी जाती है। जैसे वार्षिक उत्सव, तो उसमें भी बच्चे भैया बहन योगदान लेते हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों का जो हर तरीके से विकास होता है, और तो ये बहुत बात हमको बहुत अच्छी लगी। भैया बहनों में यहाँ पर चाहे बड़े भैया हों चाहे छोटे भैया हों, सब लोग एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं और गुरुजनों के द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। यही ये हम बहुत देखने में हमको बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अब आप इतने वर्षों से यहाँ पर विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, तो यहाँ के जो बच्चे हैं या यहाँ के जो समाज के लोग हैं या बलिया ज़िले के लोग हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? वो सतत किसी चीज़ में है तो जल्दी घबराएं नहीं, कहीं अगर वो गए हैं सुधार की दृष्टि से जो है समय लग सकता है। आप लोग जानते हैं, महर्षि पाणिनि का नाम सुने होंगे कि प्रारंभ में कितने महामूर्ख थे कि गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, सभी लोगों को पाठ याद हो जाता था लेकिन उनको नहीं याद होता था, लेकिन वो अपने अथक परिश्रम से, भगवान की कृपा से धीरे धीरे, जब एक दिन उनके मन में ऐसा आभास हुआ कि वो स्कूल से निकाल दिए गए, लेकिन आकर के कुएं की जगत पर बैठते हैं और वो अनुभव करते हैं कि जिस प्रकार से इतना कठोर पत्थर पर, प्लास्टर पर रस्सी के निशान बन जाते हैं, तो क्या मैं विद्या नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। उनके अंदर यह बात घर कर गई, फिर लौट करके वो पाठशाला लौट जाते हैं, गुरु के पास लौट जाते हैं और फिर अथक परिश्रम करते हैं। उनके पास इतना अपार ज्ञान हो जाता है कि वो हिंदी ही नहीं, वो संस्कृत के व्याकरणाचार्य बन गए,
और धीरे धीरे जो है उनको समस्त जो है ग्रंथ लिख दिए। तो कौन ऐसा कार्य है कि जो हो नहीं सकता है, अतिशय रगड़ करे जो कोई और अनल प्रगट चंदन ते हुई, कौन ऐसा कार्य कि हो नहीं सकता है। तो यही आप लोगों से आग्रह है अभिभावक बंधु कि अपने इस विद्यालय में सरस्वती शिशु मंदिर के जो है पावन स्थान पर आप अपने जो है नवजात शिशुओं का प्रवेश कराएं, जिनके जिससे वो संस्कारित हों एवं उनका जो है स्वर्णिम भविष्य हो। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरिया बस जाते सिर पर पत निशान। अगर अभ्यास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और चाहूंगा कि विद्यालय में यहां वापस से पुरानी रौनक आए, बहुत सारे बच्चे आए और फिर से हमारी संस्कृति का विकास हो सके। धन्यवाद।